नया व्लॉग शुरू करते हैं अपना, और नए व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं दुबई मॉल, और अभी बस ये मेट्रो से निकल के पाथ है जो हमें सीधा दुबई मॉल वाली साइड पे देख के जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये दुबई मॉल काफ़ी लंबा पाथ है, तकरीबन 1.6 किलोमीटर का ये जो है ना पाथ है जो हमें यहाँ से दुबई मॉल में लेकर जाएगा। तो अभी चलते हैं दुबई मॉल की साइड पर, आप लोगों को साथ साथ ये पाथ भी दिखाता हूँ। अगर आप टैक्सी पर या अपनी पर्सनल कार पर आते हैं तो ये है नीचे इसकी मेन एंट्रेंस मॉल की, ये आप लोग देख सकते हैं, और ये साथ बुर्ज खलीफा का व्यू देख सकते हैं, और ये नीचे साफ ट्रैफिक। तो भी चलते हैं आगे और देखते हैं कि हमें अभी कितना और टाइम लगता है मॉल तक जाने के लिए। अभी भी बहुत ज़्यादा बड़ा सफ़र जो हमें मॉल तक लेके जाएगा। तो देखते हैं जी, ये नीचे आप गाड़ी देखते हैं लैम्बोर्गिनी वो जा रहे सामने, और हम मॉल जाते हैं। मेरे पास आज का भी दिन पूरा फ्री है, कल का भी दिन पूरा फ्री है, तो मैंने सोचा चलिए ये दो दिन ना खुल के जो है ना ब्लॉगिंग करते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर एग्जीबिशन के दिन स्टार्ट हो जाएंगे तो तब मुझे टाइम नहीं मिलेगा कि मैं कोई ब्लॉग बना सकूं। हाल बता रात के टाइम अगर तो चांस मिल रहा उन दिनों में तो ब्लॉग भी बनाएंगे, नहीं तो एग्जीबिशन के बाद देखेंगे। यहाँ से आप लोगों को मैं दोबारा फिर दिखाता हूँ नीचे रोड पे, वो देखें नीचे पार्किंग में कार्स, मुख्तलिफ किस्म की स्पोर्ट्स कार, जी वैगन, मर्सिडीज़, सारी नीचे वो पार्किंग में खड़ी हैं, और ये सारी दुबई मॉल की ना पार्किंग है। अभी आगे चलते हैं, फाइनली जी हम लोग मॉल की एंट्रेंस के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं, आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर रहा हूँ। वो रही सामने मॉल की एंट्रेंस, ये रही जी मॉल की एंट्रेंस, और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल आखिरकार हम लोग मॉल में पहुंच चुके हैं काफ़ी टाइम के बाद। यहाँ से शॉप स्टार्ट हो जाती है, मुख्तलिफ टूरिज्म कंपनी की ये शॉप्स हैं, ये जूस शॉप है, ये आप देखो यहाँ पे गिफ्ट्स वगैरह को लेने हो तो वो इधर से आप ले सकते हैं। ये देखें ये सारे केयरिंग वगैरह, ये शॉप मोबाइल कवर्स, पेन, ये वुडन है, डिज़ाइन चेक करें आप सारे। जी हमारे रिलेटेड चीज़ें सारी आप देख सकते हैं, सर्फिस फिक्स वगैरह सारी, रिंग लाइट्स, ये सारा जो हमारी ब्लॉगिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, बल्कि आईफोन भी इनके पास पड़े हुए हैं। ये नहीं, बच्चों के स्कूल बैग्स, और ये
डायरीज, बैग, बॉटल, ये देखे पेंसिल चेक करें कितनी बड़ी है। अभी अंदर चलते हैं, यहाँ से मॉल की जो मेन बड़ी शॉप्स हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। ये हवावे की शॉप स्टोर है और ये मेन एंट्रेंस। लेफ्ट पे जाएंगे तो फूड कोर्ट है और इधर से राइट पे फिर आगे मॉल सारा। ये आप देखिए इधर से सारा, ये नीचे हम लोग इस टाइम, अगर हम जहाँ से एंटर आते हैं मेट्रो से आए तो हम लोग इस टाइम सबसे टॉप फ्लोर पे मॉल पे। ये भी स्टोर है बुक्स का, इधर सोनी और ECT, ये सारे आप स्टोर देख सकते हैं। और अभी चलते हैं आगे, देखते हैं साथ क्या क्या और कुछ देख सकते हैं मॉल में। ये शरफ डीजी, यहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, मोबाइल और दूसरी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें यहाँ से आप खरीद सकते हैं। आईफोन, सैमसंग, वीवो, हवावे, सब ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांड इन्होंने रखे हुए अपने स्टोर पे। अभी मैं आया हूँ जी ईमैक्स की शॉप पे, तो बस ये मुझे सामने नज़र आया कुछ कैमरे वगैरह, तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्लस कैमरे पड़े हुए। ये देखें यहाँ पे जिनके पास ड्रोन और व्लॉगिंग के लिए कैनन का ये भी कैमरा पड़ा हुआ है, ये देखते हैं ये ड्रोन DJI के। ये कैमरा देखे गिम्बल, और गिम्बल के साथ है ये, इसकी क्या प्राइस है 2999 dirham। ये वाला कैमरा देखें आप, इसमें आई थिंक जो माइक है सेम मेरे पास भी है, मेरा ख्याल है यही ऐसा ही माइक मेरे पास भी है। और भी देखते हैं आगे, इस साइड पे भी ये कैमरे, ये देखें ये, इसमें बहुत से कैमरे जो हम व्लॉगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको दिखाता हूँ दुनिया की जो सबसे बड़ी टीवी स्क्रीन है, वो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये। और इसके बिल्कुल जो नीचे है वो है दुबई एक्वेरियम, ये भी नीचे जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि ऊपर आने की जो वजह है वो ये है कि मुझे लगी है भूख और फूड कोर्ट बिल्कुल मेरे इस साइड पे है। तो आप लोग एक बार फिर से देख लें, ये देखिए 1.7 billion पिक्सल्स इस TV स्क्रीन के हैं। और अभी चलते हैं Emirates के A380 की तरफ, देखते हैं ये क्या है एयरबस का। ये है जी Emirates A380 एक्सपीरियंस, डमी बनाई है उन्होंने। ये है अंदर से, यहाँ पे इन्होंने डमी भी रखी है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये आप परचेज भी कर सकते हैं। वहाँ पे इन्होंने अंदर 3D बनाया हुआ है सारा रूम, जहाँ पे आप बैठ के एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि अब कॉकपिट में A380 का कॉकपिट जो है वो कैसा होता है। ये है जी एक्वेरियम, अभी मैं आपको ऊपर से ही दिखा रहा हूँ, नीचे मैं नहीं गया क्योंकि ये ऊपर तक आता है, काफ़ी बड़ा है, ये देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त।
इसमें आप अंदर भी इसके जा सकते हैं, वो देखिए आपको अंदर लोग नजर आ रहे होंगे। ये रहा जी फूड कोर्ट, और चलते हैं देखते हैं जी के क्या खाने के लिए मिल सकता है मजे का। यहाँ पे अलबेक भी है मगर वहाँ पे जो लाइन है वो बहुत लंबी है, इसीलिए अलबेक कैंसिल। उसके अलावा देखते हैं और क्या हो सकता है खाने के लिए। अभी मैं आया हूँ हॉडीज पे और देखते हैं कि क्या खाने के लिए पसंद है। मुझे जो पसंद आया वो ये सामने है बिग बॉस, वो अच्छा लग रहा है। चले ऑर्डर करते हैं। ये मेरा आज का हॉडीज से ऑर्डर का है, इसमें है रैप है, फ्राइज है और साथ ये एक बर्गर है छोटा सा, साथ कोल्ड ड्रिंक है। तो चले पहले हम खा लें क्योंकि जो भूख है ना वो बढ़ा है। फूड कोर्ट में तबाही मचाने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ बुर्ज खलीफा वाली साइड पे, ये भी सारी आवाम उसी साइड पे जा रही है। तो चलिए चलते हैं क्योंकि तबाही बहुत में चाहिए फूड कोर्ट में, पर अभी बस जितना चल सकता था चलते रहे। और यहाँ पे आवाम की तबाहियाँ चेक करें जो आवाम तबाहियाँ मचा रही है। ये जो सीन है ना इसी के सारे पैसे हैं। इसके हैं सारे पैसे। ये है जी ये देख सकते हैं वहाँ इसके पीछे इधर आते हैं सारे, ये तबाही है। जगह पे जी लोग दबा के सेल्फी ले रहे हैं और आपके भाई ने भी एक सेल्फी नहीं एक पिक्चर यहाँ पे ले ली है। और उसके अलावा जी यहाँ पे और भी कुछ जगह है जहाँ पे लोग दबा के तस्वीरें खींच रहे हैं, वो है आई लव दुबई। ये यहाँ पे मुझे ये नहीं समझ आ रही लोगों की यहाँ पे तस्वीर ठीक कैसे आ रही होगी क्योंकि तेज रोशनी पीछे से है। बल्कि आई लव दुबई में लाइट्स हैं और सारी तो ब्लैक आ जाएगी तस्वीर। मैंने भी कोशिश की थी यहाँ पे तस्वीर खींचने की लेकिन सही नहीं आई। मैं यहाँ से वीडियो बना लूँगा क्योंकि रोशनी ज़्यादा है। ये मेरी अपोजिट आई लव दुबई और अब मेरी बैक साइड पे आई लव दुबई। टाइम शाम का हो गया और मैं अब जो ये बुर्ज खलीफा है इसकी अपोजिट वाली साइड पर आ चुका हूँ। इस साइड पर ये आप होटल देख सकते हैं और यहाँ पे वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव कार पार्किंग है। पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसमें कौन कौन सी इस टाइम कार पार्क की गई है। जबरदस्त इसमें जी इस टाइम सबसे पहले हमें नजर आ रही है ब्लैक कलर में दो खड़ी हुई है जी वैगन, ये आप लोगों को नजर आ रही होगी। ये है जी जी वैगन। इसके बाद ये सऊदी नंबर प्लेट की है जी फरारी। उसके बाद है जी ये कौन सी है रोल्स रॉयस। उसके बाद रेंज रोवर। उसके बाद है जी डॉज। उसके बाद फिर मस्टैंग है। फिर ओल्ड स्कूल रेंज रोवर है। उसके बाद जी वैगन। और उसके बाद आप वो कौन सी नज़र आ रही है वाइट, ये रोल्स रॉयस। और उसके आगे निशान पेट्रोल, ये सारी खड़ी हैं गाड़ियाँ। और यहाँ पे एक घंटे की पार्किंग की तकरीबन फीस है 300 to 400 dirham इस पार्किंग की फीस है। और अगर हम इस साइड पे जाएं तो आप पूछ लीजिए अगर एक बार दोबारा देखें माशाल्लाह। आज ही पूरा दिन आपका भाई जितना चला है ना
मेरा ना कि अपनी 30 साल जिंदगी में इतना ज़्यादा मैं आ चला हूँ आज तो मैंने दवाइयाँ फेर दी चलने के लिए। तो इसी चलने के साथ साथ जो है ना आज की वीडियो को करते हैं यहाँ पे ख़त्म और अपने भाई को इजाज़त दीजिए कि इस बात को यहाँ खत्म किए दें क्योंकि मैं थकती हूँ बहुत ज़्यादा और अभी फिर से ये वाला चलना शुरू हो गया जो मेट्रो तक जाना है। तो बस इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। अल्लाह ब्लॉग के लिए इंतज़ार कीजिएगा मेरे, देखे अब अल्लाह ब्लॉग आपको किस टाइम मिलता है।